हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रप्रस्थ ऑर्चिड पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीमाटोड्स के बारे में। नीमाटोड्स एकमात्र ऐसा कीड़ा है जो कि हमारे सेब के पेड़ हैं उनकी जड़ों में लगता है। तो जहां पे रूट रॉट कलर रॉट की समस्या नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए अपनी जो सेब की पेड़ों की जड़ें हैं, जो पेड़ ग्रोथ नहीं कर रहा है अच्छे से, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उसकी रूट्स आपको चेक करनी चाहिए कि कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई और कुछ डिजीज़ तो नहीं है। जो ये नीमाटोड्स है, ये बेसिकली जिस तरह के अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म की तरह ही छोटे छोटे कीड़े टाइप जैसे होते हैं। ये रूट्स में चले जाते हैं अंदर, और अंदर ही अपने अंडे देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जड़ों में गांठें सी पड़ जाती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मेरा जो पेड़ है वो इससे ग्रस्त हुआ है, और जो मेरे पेड़ की जड़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये वाला जो आप पेड़ देख पा रहे होंगे, तो ये इस पेड़ के साथ लगा था, जो ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और इसने ग्रोथ नहीं ली। तो इसका जो रीज़न था, पहले मैंने सोचा कि इसमें रूट रॉट लगा होगा, फिर कॉलर रॉट लगा होगा, पर इस तरह की कोई भी इसमें डिजीज़ नहीं लगी थी। तो मैंने इसका जो तना है, आप देख रहे होंगे, तो इसका मैंने तना साफ़ किया। फिर मुझे पता चला कि इसकी जो जड़ें हैं पेड़ों की, उसमें थोड़ी घंटे सी बनी हुई है, जो गांठ सी पड़ जाती है, तो वो ड्यू टू होती है नीमाटोड से, कीड़ा होता है उसकी वजह से। तो वो जड़ों में लगता है, और जड़ों में ही वो अंदर चला जाता है, और उसमें ही अपने अंडे देता है, और फिर वो गांठे से ही बना लेता है। अभी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का होता है नीमाटोड्स का जो कीड़ा होता है। देखिए इस तरह की गांठे हो जाती है उससे, पूरी की जड़ ये देखिए ख़राब हो चुकी है, ये वाली जड़ दे देखिए, तो इस तरह की गांठे बन जाती है। इसका जो मुझे एकमात्र सॉल्यूशन लगा वो है ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग हमें करनी चाहिए, और जो परफेक्ट टाइम है ड्रेंचिंग का वो मुझे लगा मार्च में। मार्च इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी इंसेक्ट को ग्रो होने की वो एक इनिशियल स्टेज होती है मार्च, और अगर आप उसी टाइम में इनिशियल स्टेज में उसको स्टॉप कर ले, तो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्च एक परफेक्ट टाइम है ड्रेंचिंग के लिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।